ईश्वरी मेरा मित्र था। वह बहुत अमीर था और मैं गरीब। वह जमींदार परिवार से संबंधित था। मैं प्राय जमींदारों की बुराई करता रहता था, किंतु वह बुरा नहीं मानता था। जमींदारों का पक्ष लेता और तर्क में हार जाने पर भी मुस्कुराता रहता। अमीरों की भांति उसमें बेदर्दी और उद्दंडता थी। नौकरों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही कठोर था, किंतु अपने दोस्तों विशेषकर मेरे साथ उसका व्यवहार बहुत ही नम्र था। मैं जमींदारों की बुराई सिद्धांतों के अनुसार नहीं अपितु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण करता था। दशहरे की छुट्टियों में घर जाने का विचार मैंने स्थगित कर दिया। घर पर और अधिक बोझ पै नहीं डालना चाहता था। बोर्डिंग हाउस में अकेले रहना कठिन लग रहा था, किंतु मैं पढ़ाई की तैयारी करना चाहता था। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना आवश्यक था। ऐसे में ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का आमंत्रण दिया। मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके साथ पढ़ाई की अच्छी तैयारी हो जाती। ईश्वरी ने मुझे पहले ही बता दिया कि उसके घर पर मुझे जमींदारों की बुराई नहीं करनी, क्योंकि उसके घर वाले बुरा मान जाएंगे। उन सबको आसामियों पर शासन करने की आदत है। वह सब पर मेरा रौब डालना चाहता था, ताकि सब लोग उसी के समान मेरी भी आवभगत करें। ईश्वरी ने हम दोनों का सेकंड क्लास का टिकट लिया। मैं बहुत उत्साहित था। पहली बार सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी आने में अभी देर थी। स्टेशन पर कुछ देर घूमे, फिर रिफ्रेशमेंट रूम में खाना खाने चले गए। वेटर हम दोनों के पहनावे से ही मुझे समझ गया था। वह ईश्वरी की आवभगत कर रहा था। मुझसे उसकी गुस्ताखी सहन नहीं हो रही थी। खाने का पूरा खर्चा ईश्वरी ने किया तथा चलते समय एक अठन्नी खानसामे के हाथ पर रख दी। वे सब मुझे अनदेखा कर रहे थे, जो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। ईश्वरी खानसामों की प्रशंसा कर रहा था, किंतु मैं खिन्न था। डाक गाड़ी प्रयाग से सीधी प्रतापगढ़ पहुंचकर रुकी। एक आदमी दरवाजा खोलकर हमारे डिब्बे में आने की चेष्टा करने लगा। मैं चिल्ला पड़ा, क्या कर रहे हो? यह सेकंड क्लास है, मुझे पता है, कहकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मन ही मन बहुत पछताया। मुरादाबाद पहुंचने पर बहुत लोग हमारी अगवानी करने आए। ईश्वरी ने मेरी खूब प्रशंसा की। उन सब पर मेरी धाक जम गई। वे मुझे गांधी जी का भक्त समझ रहे थे। ईश्वरी का झूठ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु अपनी प्रशंसा सुन मैं चुप ही रहा।